खेत पे जाता नहीं, घर पे रहता नहीं, करता क्या है तू सारा दिन संकेत? अरे अम्मा तू फिर शुरू हो गई, काम ही तो करता हूँ और क्या। अच्छा जरा मैं भी तो सुनू क्या काम करता है। अकेला देवदत्त खपे है खेत में, तू तो दिन भर बस आवारा गर्दी करता है। और तू क्या 16-18 साल का छोकरा है मटर गश्ती करने को? कितनी बार बोला है अम्मा, खाने की थाली पे बैठकर दिमाग मत चटा कर, खाना हजम नहीं होता हमें। क्यों री कहाँ लेके जा रही है ये खाना? अम्मा एक रोटी और जरा सा साग ही तो है। बड़ी दया आ रही है, वो 7 दिनों से भूखी है। तुझे भी रहना है उसके संग? बड़ी आई दयावान कहीं की, तेरा भी खाना पानी बंद कर दूंगी ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। चला खाना। बाऊजी बड़े दिन हुए उजला के ससुराल गए हुए, होली भी आ रही है, एक टोकरी और ले ले। हाँ हाँ ले लो, 2 बरस बाद जा रहे हो उज्ज्वला के घर, और ले जाओ। सुन आलू की बोरी आधी आधी कर दे, आधी बोरी साथ ही ले जाएंगे। 2 साल पहले तेरी शादी में आई थी उज्ज्वला, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उसकी। सुनिए समधन जी से बात करके एक आध महीने के लिए बुला लो उसको यहाँ। ठीक है बात करके देखता हूँ। ये थोड़ा बहुत आपके लिए लाया है समधन जी, इस बार भगवान की कृपा रही, फसल अच्छी आई। बड़ा अच्छा किया जी, बड़ी मेहरबानी की। समधन जी बिटिया नजर नहीं आ रही, काम में लगी होगी कहीं। बुला दीजिए उसे, अब आए हैं तो मिलकर जाएंगे। ससुर जी ये सब्जियां फल ये सब तो ठीक है, पर अब इतने से काम नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं। 3 बरस हो गए मेरे और उज्ज्वला के ब्याह को, जब भी आप आते हैं तब ये सब्जी और फल लेके चले आते हैं। भिखारी समझ के रखा है क्या आपने हमें? अरे कैसी बातें करें संकेत जी, आप कभी पूछा है आपने कि आपके दामाद को क्या चाहिए? बोलिए ना क्या चाहिए आपको? हमारे खेती के लिए एक ट्रैक्टर, एक फटपटी और एक कलर टीवी। जमाना कितना बदल गया है, अपनी बेटी को इतना भी नहीं दोगे? ये प्याज और ये तरकारी तो हमारे खेत में भी उगता है, जो मांगा है वो दे दो और फिर तभी आना इस घर में। उससे पहले बेटी की सूरत देखना भी नसीब नहीं होगा। जय राम जी की। क्यों चले गए बाऊजी बिना मुझे मिले? क्यों नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा बिना अपनी बेटी को देखे? रुपया हम कहां से लाएंगे? और हमारा सोचिए, पति फिसल कर पानी में गिर गया, बह गया, आज तक पता नहीं कैसे पाला है इन लड़कों को। सोचिए इतनी बहस नहीं करते गणेश जी, और हमारे संकेत के लिए तो कोई भी परिवार 1 लाख रुपया दे देगा बिना सोचे। आप तो आप कह तो ठीक रही हैं, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फिर देखते हैं क्या इंतजाम हो सकता है। ले लो वक्त, लेकिन हमें कोई 1.5 लाख रुपया देने वाला मिल गया तो हमारी गलती नहीं होगी। रिश्ता अच्छा है,
लड़का भी अच्छा है, बिटिया खुश रहेगी, कैसे भी करके पैसे दे दो। तो क्या बोलता है पारस? भाऊजी रकम तो बहुत बड़ी है, बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, ऊपर से ब्याह का खर्चा अलग। भाऊजी आप तो जानते ही हैं, सारे गांव वालों को पता चल चुका है कि कस्तूरी गांव से लड़के वाले आए थे उज्ज्वला को देखने के लिए। अब अगर लाख रुपए के चक्कर में बात नहीं बनी तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कर्जा ले लेते हैं। हमें पूरा विश्वास था आप पर, अपनी बिटिया के लिए इतना कर ही दोगे आप। ओम मग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। कुछ खाना दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खाना दे दो, कुछ खाना दे दो। सुनिए, कुछ बात करनी थी। बोल। गोडाउन वाले कमरे से बहुत बास आ रही है। अब घास फूस और अनाज के कमरे से इत्र की खुशबू आएगी क्या? नहीं, मैं उज्ज्वला की बात कर रही हूँ। वो 2 महीने से कमरे में बंद है ना, बाहर भी नहीं निकली। ठीक है, मैं अम्मा जी से बात करता हूँ। कितनी बदबू मार रही है, जल्दी लेके जा इसे गुसल खाने में। जल्दी खा लेना और सुन, कुछ गिराना मत वरना अम्मा को पता चल जाएगा। उज्ज्वला के लिए ससुराल वालों का ये क्रूर व्यवहार सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपने पिता से ससुराल वालों की मांगे पूरी करवाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उसके पिता को भी उसके ससुराल वालों की मांगों के बारे में पता चल चुका था, जिसे पूरा करने की उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन जब संकेत ने उज्ज्वला से शादी की थी, क्या तब उज्ज्वला के परिवार वालों ने उनकी मांगे पूरी नहीं की थी? समधन जी, सबको आना है। जरूर आएंगे, पारस का ब्याह है, सारे आएंगे।
गुस्सा तो पानी की तरह बहाया लड़की ने। मालदार है क्या लड़की के मायके वाले? हमसे पूछ रहे तो तुझे पता होना चाहिए था ना। भाई की शादी बड़े ठाट से हुई। क्या अम्मा? कितना पैसा लिया तेरे बाप ने छोरी के मायके वालों से? गहने देखे तेरी भाभी के? सर से पांव तक सोने में लदी थी। कम से कम 5 लाख के तो होंगे। जी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। हमने 1 लाख मांगा तो तेरा बाप कैसे रोने पीटने लग गया? और जब अपने लड़के की बारी आई तो दोनों हाथों से खूब सारा पैसा लपेट लिया। आंखें फटी की फटी रह गई दुल्हन के गहने देख के। सोचो अगर गहना इतना दिया है तो नगद कितना दिया होगा। क्यों संकेत, कुछ पता चला कितना माल मिला तेरे ससुर को? बहुत मिला है अम्मा। बड़े घर की लड़की हाथ आई है उनके। वो सही कह रही थी, चूना लगा गए 1 लाख रुपया देके। अम्मा भगवान कसम, मेरे बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है। तब नहीं होंगे, भाई की शादी में तो आ गया ना पैसा। तब नहीं दे सके, अब तो दे सकते हैं, हैं? और ज्यादा कहाँ मांग रहे हो? एक फटफटी, एक कलर टीवी और ट्रैक्टर तेरे पति के लिए मांग रही हूँ ना? मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं बाबूजी से अब और कुछ नहीं मांग सकती। मेरे बाबूजी के पास कुछ नहीं है। वो इतने अमीर आदमी नहीं है। इतना सब कुछ कहां से देंगे वो? आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। दीदी, आप अम्मा जी को समझाइए ना, आपके देवर जी को भी समझाइए ना। घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं, घर में झगड़े लगवाऊं क्या? तू इन सब चीजों में मुझे बीच में मत डाल। बात कर लेना अपने घर वालों से और दिलवा दे उन्हें जो चाहिए, वरना ये लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। नहीं रही है अम्मा, क्या करे? ये घर उसके हिसाब से तो नहीं चलेगा। हमें जो चाहिए वो उसे अपने बाप के घर से लेकर आना ही पड़ेगा। अम्मा, उज्ज्वला पेट से है। ये तो अड़ियल भैंस की तरह बैठी है, ऊपर से पेट से। उसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा है। नहीं चाहिए तेरा बच्चा, किसी को नहीं चाहिए। ये हमारा बच्चा है। जब तक तू अपने बाप से ट्रैक्टर, टीवी और फटपटी ना दिलाए ना, तब तक ना ये बच्चा हमारा और ना तू हमारी। मैं बच्चा नहीं गिरवाऊंगी। तो तू अपने बाप से बात नहीं करेगी,
है ना? दिया तो है मेरे बाबूजी ने, 1,00,000 रुपया दिया, वो भी कर्जा लेकर। आप कहाँ से देंगे? मैं बाबूजी से कुछ नहीं मांगूंगी। कुछ नहीं मांगेगी तू? उज्ज्वला पेट से है, कहीं उसे कुछ हो गया तो? किसी को नहीं चाहिए उसका बच्चा, सो जा चुपचाप। अरे अम्मा, अड़ियल भैंस है वो, नहीं मानेगी। तो ठीक है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। किसी भी इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव होते देखकर दूसरा कोई भी इंसान सहम जाएगा। उन लोगों को, उन परिवार वालों को, उन पतियों को, पति के उन रिश्तेदारों को जो किसी दूसरे की बेटी को दहेज के लिए इतनी तकलीफ देते हैं, उन्हें क्या कहें हम? जो समझते हैं कि दहेज लेना उनका हक है, जो अपने बेटों का सौदा करते हैं, उन्हें बेचते हैं, ऐसे लोगों को क्या नाम दें हम? उज्ज्वला ने बहुत सहा, लेकिन आखिर उसने फैसला किया कि अब वो और नहीं सहेगी। ये मेरा बच्चा है, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आप सबको लगता है कि मेरे बाबूजी ने जो कुछ भी दिया वो कम है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इनको काम नहीं करना है, पता नहीं क्या करते रहते हैं दिन भर। इन्हें समझाने की वजह आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने बाबूजी से पैसे मांगूं, और जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं अपना बच्चा भी गिरा दूं। आप मेरी बड़ी बहन जैसी है, लेकिन आपको तो अपनी पड़ी है। आपको अम्मा जी की नाराजगी पसंद नहीं है। आज मेरा बच्चा गिराने की साजिश में आप भी इन सबका साथ दे रही है कि आप बची रहे और जेठ जी आप पर दबाव ना डाले कि आप भी आपके मायके से कुछ ले आओ। आप और जेठ जी तो खुशी हो जाएंगे अगर मेरा बच्चा मर गया तो, कि आपका बच्चा जो नहीं, अगर मेरा बच्चा हो गया आप लोगों की इज्जत कम हो जाएगी ना घर में। मैं जा रही हूं आपका घर छोड़ के अपने बाबूजी के। जानती हूं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत बदनामी होगी उनकी अगर बेटी ससुराल से वापस लौटती है तो। चारों तरफ बातें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। बेटी हूं ना मैं उनकी, मैं जा रही हूं। तू के चली गई मेरे मुंह पे, और तू खड़ा खड़ा यहां मेरा मुंह देख रहा है।
बचा, बचा, दीदी बचा, भूखा रखो उसे, हफ्ते में एक बार खाना दो, दम निकल जाएगा ना तो अकड़ भी निकल जाएगी। चलो मेरे भाऊजी तक कमर पहुंचा दो, मुझे आगे ले जाए, मैं चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। दीदी मदद करो मेरी, दीदी मदद करो।
मदद करो, मुझ में उठने तक की ताकत नहीं है, मुझे मेरे घर तक पहुंचाना। मुझे माफ कर दे उज्ज्वला, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तेरी हालत देखकर पगला गई थी मैं, सोचा दरवाजा खुला छोड़ दूंगी तो तू भाग जाएगी, पर अगर तू भाग गई तो तेरी जगह यहाँ जो दूसरी औरत होगी वो मैं होंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही तुझे भगाया। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ग्यारह में होली से कुछ दिन पहले उज्ज्वला के पिता और भाई को उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया, ये कहकर कि वो उज्ज्वला से तभी मिल सकते हैं जब वो उनकी मांगे पूरी करेंगे। मजबूर पिता और भाई वहां से लौट आए। उन्हें पता नहीं था कि उनकी उज्ज्वला क्या कुछ सह रही थी। वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी के ससुराल वाले अपनी मांगे पूरी ना होने पर किस हद तक गिर जाएंगे। दामाद जी को कैसे समझाए कि खेती बाड़ी में उतनी कमाई कहाँ है, फसल अच्छी आई है पर उतनी भी नहीं कि उन्हें ट्रैक्टर टीवी और मोटरसाइकिल खरीद के दें। उज्ज्वला बाहर भी ना आई मिलने? नहीं अम्मा, वो खुद बाहर नहीं आई या फिर उसे आने नहीं दिया, कुछ नहीं पता। दो चार दिन जाने दो, बिटिया के ससुराल वाले अभी गुस्से में हैं, अभी मिलने की जितना करो, आखिर जिंदगी तो वहीं गुजारनी है उज्ज्वला को। संकेत जी सच कह रहे हैं, हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है। बेवकूफ समझे हो क्या हमें? सबको मालूम है कितना माल लेके आई है तेरी लुगाई। संकेत जी उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। वो तेरी तू जाने, हमें सिर्फ अपने सामान से मतलब है। देखिए मुझे एक बार उज्ज्वला से मिलने दीजिए, बस एक बार बात करूंगा उससे। देख पहले सब सामान ले आ और उसके बाद मिल लेना उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी बहन है वो, हटिए मुझे उससे मिलना है। ज्यादा हाथ पाँव चलाने की गलती ना करना, ज्यादा फड़फड़ा है ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, वो तेरी बहन थी अब वो मेरी घरवाली है। निकल यहां से, जब तक सामान लेके नहीं आता ना तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, चल। बार वो लोग आते हैं और हम धक्के मार कर उन्हें बाहर निकालते हैं, पर ऐसा कब तक हम उन लोगों को रोक पाएंगे?
अगर उज्ज्वला के बारे में गांव वालों ने मुंह खोला तो मुश्किल हो जाएगी। अम्मा कुछ करना पड़ेगा उसका, नहीं तो बवाल खड़ा कर देगी किसी दिन। धुरीपुर में तुम्हारे फूफा रहते हैं, उनसे बात करो, ऐसे में वही काम आएंगे। उज्ज्वला चल उठना हाले। तेरे लिए है, और 3 दिन बाद देवाजी तुझे तेरे मायके छोड़ाएंगे। सफर करने जितनी ताकत आ गई है उसमें? जी अम्मा, 4 दिन से पूरा खाना खिलाया है, अब पहले से काफी बेहतर। अभी कपड़े बांध दो उसके। चल। धुरीपुर के 2 टिकट देना। धुरीपुर का टिकट। धुरीपुर? लेकिन मेरा गांव तो मिलान बारा में। अरे वही ले जाऊंगा, चुपचाप बैठ तू, ज्यादा आवाज की ना तो तू जानती है क्या हाल होगा तेरा। हाँ बेटा संकेत बोलो। बस 20 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है तो घर पर पहुंच। अजीत और तिलक घर पे ही हैं, मैं भी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है फूफा जी। जीते रहो बेटा। आओ छो गांव में, नहीं कर सकता मैं ये काम, इसीलिए आपके पास आया हूं। इसका बाप तो कुछ नहीं देने वाला, वैसे भी इसे साथ में रखकर क्या करूंगा, इसलिए आप जो ठीक समझे कीजिए। ठीक है तो सब मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभालूंगा। ठीक है पुपा जी, तो मैं चलता हूं। ठीक बाय। जी तर Thank you.
शुक्लाल जी का फोन है। हाँ बोलिए शुक्लाल जी। नमस्कार भीम जी, कल आपसे बात हुई थी ना एक छोकरी के बारे में। हाँ हाँ बोलिए। अब वो आ गई है मेरे पास। पर देखो शुक्लाल जी, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा कुछ काम भोपाल में। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। 4 साल हो गए बिटिया की शादी को और दामाद जी अभी तक अड़े बैठे हैं। बाबूजी बहुत बड़ी भूल हो गई हम लोगों से, नियत तभी पहचान नहीं होती जब 1,00,000 रुपए मांगे थे उन लोगों ने। बेटा ये तो नसीब की बात है, होता वही है जो लिखा होता। चल भाई, यहाँ घर में सर खुजा के बैठने से कोई फायदा नहीं, खेत पे ध्यान नहीं दिया तो यहां भी लाले पड़ेंगे। चल क्यों उज्ज्वला के परिवार ने ससुराल के दरवाजे पर जोर से दस्तक नहीं दी और यह जिद नहीं की कि वो अपनी बेटी से मिले बिना वहां से नहीं जाएंगे। बस ये कह देना कि नसीब की बात है और उसे स्वीकार कर। संकेत अब ना ही उज्ज्वला से कोई रिश्ता रखना चाहता था और ना ही वापस उसे उसके पिता के घर भेजना चाहता था। एक बार फिर उज्ज्वला को संकेत के फूफा सुखलाल के घर के एक कमरे में कैद कर दिया गया, जहां एक बार फिर शुरू हो गया सुखलाल और उसके दो बेटों अजीत और तिलक के हाथों यातनाओं का सिलसिला। और फिर 14 दिन बाद अपने वादे के अनुसार एक साहूकार भीमचंद्र उसे लेने आ गया। लड़की अंदर है, जाके देख लीजिए। उदय जाओ। पूरे 25,000 है नगद और ये जमीन के कागजात। सुखलाल जी क्या देख रहे हो, सब बराबर है? अरे भीम जी आपने दिया तो सब ठीक ही होगा, फिर भी नजर दौड़ाने में क्या हर्ज है? दौड़ाइए नजर। सब ठीक है, लड़की को बोलो जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है पापा जी, जो मिला वही सही। अम्मा पापा जी का फोन था। बिकी के नहीं अब तक? बिक गई, पापा जी ने बोला है कि वो अगले हफ्ते आके हमारा हिस्सा दे जाएंगे। चल चांद छुटे, अब के वो बाप बेटा आए ना तो कह देना उनसे कि भाग गई छोरी। महीना हो गया कर्जा लिए तो जा लेके आ जा। काय के लिए लिया था कर्जा? ट्रैक्टर के लिए। तो जा उसका ट्रैक्टर उठा ला। जी मालिक। क्या चाहिए तेरे को? कौन है? छोकरी है मालिक,
तू जा अपना काम कर। जी मालिक। अपना दुखड़ा मत सुना मुझे, समझी? खरीदा है तुझे, अब तू नहीं रहेगी। मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। सुन छोकरी, अब तो यहाँ आ गई है, अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी? और रोना धोना बंद कर, चल अपने कमरे में। दरिंदे की तरह बर्ताव करने वाले पति के घर से वैसे ही एक रिश्तेदार के घर पहुंची उज्ज्वला, जहां से उसे बेच दिया गया एक साहूकार को। जब ऐसा लग रहा था कि उज्ज्वला की जिंदगी में रोशनी की कोई किरण कभी नजर नहीं आएगी, तभी एक दिन उसे इस कैद से आजाद होने का एक मौका मिला। ए, तू भी चल साथ में, आज बड़ी वसूली है। ए, गाड़ी निकाल। ये बस स्टैंड कहाँ है? कहाँ जाना? मिलन बारा गांव। अरे तो बड़े बस स्टैंड पर जाना, यहाँ से सीधा जाकर सीधे हाथ पे मुड़ जाना, 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ मिलेगी तुझे मिलन बारा की बस। Thank you.
से उड़ जाएगी। भीम जी के गांव में भीम जी से पूछे बिना पत्ता भी नहीं है। बुखार अब तक नहीं उतरा है। मालिक मर मराना जा छोरी, बेकार में मामला बढ़ जाएगा और फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा, और उसे ठिकाने कहाँ लगाएंगे? आप हुकुम करो तो दवा खाने ले जाओ, दवा दे देगा डॉक्टर दो चार दिन की। चले जा, लेकिन ध्यान रखना। किसने ऐसी हालत की तुम्हारी? सब बचा लो मुझे, मेरी मदद कर दो। देखो रो मत, बताओ ये कैसे हुआ? ये क्या हालत की आपने उस लड़की की? कितने निशान है मारपीट के, और तो और वो कह रही थी कि आपने उसे कैद करके रखा हुआ है। जमींदार भीम जी का नाम सुना है डॉक्टर? उसकी औरत है ये। और कुछ पूछना है? सवाल जवाब करना है? ज्यादा पूछताछ करेगा ना तो तेरी पूछताछ करने वाले को तू कहीं नजर नहीं आएगा, समझ गया? चुपचाप इलाज कर, दो चार दिन की दवा दे दे उसे, जा। क्या हुआ था उस लड़की को? कौन सी लड़की? अरे वही जो अभी अभी गाड़ी में उन लोगों के साथ गई। अरे पूछ मत सुरे, कुछ गड़बड़ मामला लगता है। बड़ी रो रही थी बेचारी, मदद मांग रही थी, बहुत मारपीट हुई है उसके साथ। वो जमींदार भीम जी है ना, उसकी पत्नी है वो। क्या? वो और जमींदार की पत्नी? हाँ, क्यों? तू तो ऐसे पूछा जैसे जानता हो उसे। हाँ जानता हूँ, वो उज्ज्वला है, मेरे चाचा के गाँव मिलन बारा की रहने वाली। क्या कह रहा है तू? नमस्ते जी, मैं विद्याधर जी का भतीजा हूँ, सुरेन। बैठो ना जी, बोलो क्या बात है? जी मैं आपकी बेटी उज्ज्वला की शादी में आया था। कस्तूरी गांव के संकेत से हुई थी ना उसकी शादी। हाँ लेकिन ये सब क्यों पूछ रहा है, हुआ क्या है? अभी उज्ज्वला कहाँ है? उज्ज्वला अपने ससुराल में होगी, और कहाँ होगी? मुझे नहीं लगता वो अपने ससुराल में। क्या जी? मैं बूना गोंडा के दवा खाने में नौकरी करता हूँ। दो दिन पहले कुछ लोग आपकी बेटी को इलाज के लिए लाए थे, बहुत बुरी हालत थी उसकी, बहुत मारा गया था उसे, और वो लोग बोल रहे थे कि वो किसी भीमचंद्र नाम के जमींदार की पत्नी है। ये सब क्या बोल रहा है तू? मेरा दिमाग भी ऐसे ही चकरा गया था, फिर मैंने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि भीमचंद्र उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। चलो उस संकेत की खबर लेते हैं। चाचा जी ऐसी गलती भूल के मत करना, वो लोग बहुत चालाक हैं, अगर उन्हें हल्की सी भनक लग गई ना तो उज्ज्वला को कुछ भी कर सकते हैं।
अभी हम सब लोगों को उज्ज्वला को बचाने की सोचनी चाहिए। यह आसान काम नहीं है। भीमचंद्र बहुत बड़ा आदमी है, गांव का साहूकार है। उसने मुस्टंडे रख छोड़े हैं चौकीदारी और वसूली के लिए, और गांव का हर आदमी जानता है कि वो अपने मजे के लिए औरतें खरीदता है, और जब उनसे मन भर जाता है तो उसे बेचकर एक नई औरत ले आता है। बाबूजी, तभी उन लोगों ने हमें उज्ज्वला से मिलने नहीं दिया, जब जोर दिया तो मारपीट में उतरा है। अगर सुरेन की बात सही निकली तो हमें उज्ज्वला को बचाना ही होगा। 4 साल हो गए बिटिया को देखे हुए, न दामाद जी न उनकी माँ कोई हमको बिटिया से मिलने का मौका ही नहीं दे रहे। हमको लगा कि हमने उनकी मांगे पूरी नहीं की इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या खबर थी कि बिटिया के साथ ये सब हो रहा है। अब ये हमारे गांव के इज्जत का मामला है। आपकी बेटी हमारी बेटी। अब भीमचंद्र चाहे जितना ही लठैत बुला ले, हम उज्ज्वला को वापस लाकर ही रहेंगे। इस आदमी ने हमारे गांव की लड़की उज्ज्वला को अपने घर में बंद करके रखा है और उसके साथ तरह तरह के जुल्म किए इसने। लड़की कहाँ है? साहब, साहब इस लड़की को खरीद के लाया था। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा यहां आइए ना, ये बात तो हम लोग आपस में मिलकर निपटा सकते हैं। साहब, अगर आपने इसकी बात सुनी या ऐसे निपटने की कोशिश की तो कसम से मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा। बंद करो ये खून खराबे की धमकियां। पहले मुझे लड़की की जबानी सुनना है कि सच क्या है। कुछ खबर नहीं थी बेटी, तेरे संग इतना कुछ हो गया, मैं माफ कर दे बेटिया। अगर आपने जमींदार और उसके आदमियों को, संकेत और उसके परिवार को पकड़ा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखिए साहब, अंदर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इतना आपको बुलाने जरूरत नहीं है। आग तो अंदर लगी है साहब, आप अपने साहब से बोलिए कि हमें कार्रवाई नहीं चाहिए। अरे हमें इंसाफ चाहिए, हमें सजा दिलवाई उन लोगों को। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग अपने हिसाब से निपटेंगे उन लोगों से। हम सजा देंगे उनको। सरम ने जमींदार को हिरासत में लेके बयान लिया है। उसने धुरीपुर गांव के एक आदमी सुखलाल को पैसे दिए थे लड़की खरीदने के लिए, और जो सुखलाल है सर, ये लड़की के पति का फूफा है। लड़की का बयान तो ले लिया है ना? हाँ सर, जानवरों से भी ज्यादा बुरा हाल किया है लड़की। क्या क्या नहीं किया उसके साथ, बहुत बुरी हालत है सर उसकी, और यहाँ के हालात भी बहुत नाजुक है। गाँव वाले बहुत भड़के हुए हैं, अगर बात बढ़ गई तो हाथ से निकल जाएगी। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दो, सारे गुनाहगारों को फौरन गिरफ्तार करो, मामला आगे मत जाने। सर मैंने कुछ नहीं किया।
उसको देखो। जी सर। चलो सर, लगता है सारे घर वाले भाग गए, अंदर कोई भी नहीं है। साहब वो तो कल रात ही चले गए थे। अरे जल्दी कर, चलो आप। साहब उन्हें खबर मिल गई होगी कि उज्ज्वला को बचा लिया गया है। साहब हमारा ये पड़ोसी हेम प्रकाश, ये भी भाग गया, इसी ने खबर दी हो। अजीब बात है, पूरा गांव जानता था कि लड़की के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, लेकिन सबके सब मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए थे। अरे कोई तो खबर करता पुलिस को। साहब सास बहू का मामला है और फिर ऊंच नीच तो हर घर में होती है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? और फिर ये तो इनके घर का मामला है ना। उनके घर का मामला है, कल अगर तुम्हारी बेटी के साथ यही होता तभी ये कहते तुम? एक लड़की के साथ इतना शर्मनाक सलूक हो रहा था, मारपीट हो रही थी, कम से कम बचा तो सकते थे कि नहीं? सुखलाल और उसके बेटों को इतना पीटो के साले बोल पड़े सबके सब किस बिल में छुप के बैठे हुए। जी सर। उज्ज्वला को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया गया है, बार बार उसका शोषण भी हुआ है, शारीरिक मानसिक यातनाएं दी गई। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? कल सुबह तक। बेटा मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, चुपचाप वहां से चला आया, मिलने की कोशिश भी नहीं की, उनकी मांगे तेरे आंसुओं पे इतने भारी क्यों पड़ गई? अब मैं अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा, कैसा बाप हूं? मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। दो महीने फरार रहने के बाद संकेत, देवदत्त, मीना और सुषमा ढूंढ लिए गए और पुलिस की हिरासत में भी ले लिए गए और साथ ही पकड़ा गया उनका पड़ोसी हेम प्रकाश, जो इस घिनौने शोषण का हिस्सा बना हुआ था। आपको तो पता है कि हमने चार्जशीट फाइल कर दी और अब ये केस अदालत के सामने है और वहां तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। और कितना टाइम लगेगा साहब? अपराधी जमानत पे रहा है, आजाद घूम रहे हैं, अदालत को और क्या सबूत चाहिए? सबको सब कुछ साफ साफ पता है। चार साल तक उन्होंने मेरी बहन के साथ गंदा और घिनौना अत्याचार किया, उसके बावजूद भी वो लोग बाहर आजादी से घूम रहे हैं। कहां है आपका न्याय साहब? देखो कोर्ट कचहरी अब अपने माता पिता के घर पर है और धीरे धीरे उसके शारीरिक और मानसिक घाव भरने लगे। उज्ज्वला ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया और सभी मुजरिमों की शनाख्त भी की। सुखलाल के बड़े बेटे अजीत को छोड़कर बाकी सभी गुनहगारों को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही महीनों बाद जमानत मिल गई। उज्ज्वला के ससुराल वाले अब भी उसी गांव में रहते हैं, हालांकि गांव वालों ने उनके घिनौने जुर्म की वजह से
उनसे नाता तोड़ दिया है। उज्ज्वला इस केस के हर पहलू के बारे में जानकारी हासिल करती रहती है और उसका परिवार, उसके गांव वाले बार बार पुलिस स्टेशन जाकर इस मुकदमे के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। वो सब आज तक इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 66 आजादी के 66 साल के बाद भी हमारे देश में दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक बहू को 2 साल तक कैद में रखा और फिर उसे बेच दिया, सिर्फ दहेज के लिए, मोटरसाइकिल, कलर टीवी, ट्रैक्टर के लिए। उज्ज्वला की कहानी हमारा दिल दहला देगी, उसके ससुराल वालों के लिए हमारे दिल में गुस्सा भराएगा। हमें लगेगा कि किस तरह की औरतें होंगी वो सास सुषमा और वो जेठानी मीना, जो एक औरत होकर दूसरी औरत पर इतना जुल्म करती हैं। लेकिन हमें सोचना ये है कि वो ऐसी बनी कैसे, क्या वो उसी सोच का हिस्सा नहीं है जो इस तरह की विकृत मानसिकता को परंपरा मानती है, जिसकी वजह से हर औरत यही समझती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ घर में आने वाली हर औरत के साथ वही होता है और वही होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि इसी सोच की वजह से उज्ज्वला के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार उन्हें बिल्कुल गलत भी नहीं लगा? सामाजिक बुराई कोई भी हो, क्या वो हमारे समाज के हर तबके का हिस्सा नहीं है? क्या ये सोच बहुत आम नहीं है कि जब भी एक औरत घर में बहू बनकर आए तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे परिवार को एक साथ रखे और जब भी आए लक्ष्मी साथ लेकर आए। भले ही हम आज इस वक्त इस सोच को छोटा और पिछड़ा हुआ कहें, पर सच ये है कि हम इस सोच में विश्वास रखते हैं और हम अपनी बेटियों को यही सिखाते भी हैं। एक रूढ़िवादी सोच जिसे बदलने की बजाय हम परंपरा और नियति के नाम पर उसे और मजबूत करते जा रहे हैं। सास बहू ससुराल मायका, इन रिश्तों की एक ही परिभाषा से चिपके बैठे हैं हम, बदलना ही नहीं चाहते। हमारे लिए इस केस को आपके सामने लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सच से आंखें फेर लेने से उसके अस्तित्व को मिटाया तो नहीं जा सकता। आंखें भले ही बंद कर ले, लेकिन जुर्म और जुल्म तो बंद नहीं होता। समाज की इस घिनौनी कुरीति से हम कब तक अपना मुंह मोड़ते रहेंगे? तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर शादी ब्याह के मामले में लेन देन का मामला भी है तो वो भी एक दस्तक है, उसे नजरअंदाज ना करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।